that. जीते जी तो इसे चैन से रहने नहीं दिया। इसे इसका धर्म, उसका घर परिवार सब कुछ छुड़वा दिया। अब जाने के बाद भी चैन नहीं देगी का। सुगंधा ले जाओ इसे अंदर। यहां रहेगी तो हमारे लाडले की आत्मा भी अस्वस्थ हो जाएगी। चलो बुआजी ने कहा, चलो हमें इनसे दूर मत कीजिए, हम इनके बिना ना ही जी सकते। सुना नहीं तुमने बुआजी कहा है? चलो अरे उठो, चलो चलो। बेटे के जीते जी हम बहुत नाटक देख चुके। आज के दिन हम में हिम्मत नहीं है कोई नाटक देखने का। मेहरबानी कर अंदर जाओ।
हमने कहा अंदर जाओ। सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान है सजा ये कैसी जीने की। चुपचाप से यहां बैठी रहो। अरे शुक्र मनाओ कि दादी बुआ ने तुमको घर का बाहर नहीं निकाला, नहीं तो अभी तुम घर का बाहर रहती। अपना भलाई चाहती हो ना तो शांति से यहाँ बैठी रहो। आज हमें कुछ देर के लिए इनके साथ रहने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़े थे, इसे मत कीजिए। अरे साथ रहने का नतीजा तो देख लिया ना हम लोगों ने। हम तो शादी का समय ही बोले थे कि तुम्हारा कुंडली मां दोष है, लेकिन नहीं, कोई हमारा बात सुनने को राजी नहीं था। और तुम तो हाथ पर अंगारा लेकर दोष निवारण के लिए निकली थी ना, बड़ा महारानी बनने चली थी। अरे तुम तो नौकरानी बनने लायक भी नहीं हो। अब चुपचाप यहाँ बैठी रहो और रोती रहो अपनी फूटी किस्मत पर। ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, दरवाजा खोलिए, हमें देख के बाहर जाने दीजिए, हमें उनसे दूर मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। क्या हो गया किस्मत, अब हम कैसे जिएंगे? ऐसा पोस्टर बना के काहे घूम रहे हैं कि जैसे ये सबसे तुमको बहुत खुशी हो रहा है। अरे थोड़ा उदासी लाइए, थोड़ा आंसू लाइए, अगर इतना खुशी सबने देख लिया ना तो हम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सच्चे चलिए ठाकुर साहब, अर्थी उठाने का समय हो गया, ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। माफी चाहेंगे ठाकुर साहब। हाँ क्या बात है बोल। अब हम कब बोले ठाकुर साहब, तेज बाबू का मौत का खबर पता चला हमको, बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर, ये कानून का वर्दी ससुरा बहुत उलझा देता है कभी कभी। अब ये जो ना करवाए। ठाकुर साहब, तेज बाबू का मौत एक्सीडेंट का मामला है, वैसे कानूनी तौर पर पोस्टमार्टम। ये बात हम सोच भी कैसे सकते हैं, इसी हम हलफनामा अपने हाथों से लिख कर लाए हैं।
आप बस दस्तखत कर दीजिए, इस झंझट का बात ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारा इतना औकात हो गया कि तुम अब हलफनामे पे हमरे दस्तखत लोगे? उसमें गलत कहा है ठाकुर साहब? सब नियम कानून तो मानना ही पड़ता है। रिश्तेदारी एक ही घर में है, इसलिए हम रिश्तेदारी निभाने चले आए। लेकिन ये कहा, हमरे वो रिश्तेदार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे जिनसे आपका और हमारा नाता जुड़ा हुआ है। नहीं बुलाए उनको? अरे ऐसे बखत में भी नहीं जब उनकी बेटी विधवा हो गई है, तब भी नहीं बुलाए? काहे मिसिर, कौन सी रिश्तेदारी का बात कर रहे हो तुम? काहे ना बुआ जी, कि ठाकुर साहब ने जिस छोट जात की लड़की से तेज बाबू का शादी किया था ना, उसी लड़की की बड़ी बहन के साथ हमारा बेटा त्रिलोक का शादी करवा दिए थे ये, वो भी जबरदस्ती, और फिर हमारे बेटा को गांव से निकलवा भी दिए। आज जब इनका अपना बेटा गया तो इनका कलेजा में ना सांप लौट गया। बहुत ही गलत समय पर डंक मार लो। हमको क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, हम तो बस अपना रिश्तेदारी जताने आए। हमने बिट्टो की बड़ी बहन रज्जो की चक्कर में अपना बेटा खोया है, और आपने बिट्टो के चक्कर में। अब आपका दर्द हमसे अच्छी तरह और कौन समझ सकता है? साइन कीजिए आप। अरे कीजिए ना, दो। ठाकुर साहब चला जाए। दादी बुआ, ऐसा समय पर कोई इधर उधर का बात करता है ना, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन करे तो क्या करे? क्या हुआ है? गांव समाज की औरत लोगों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते है ना। बिट्टो का असलियत तो सबको ही पता है ना, तेज देवर जी ने उनसे शादी किया था। तो क्या हो बुआ जी? हम जानते हैं कि आप बिट्टो से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और आप तो ये भी नहीं चाहती हैं कि वो घर में रहे। लेकिन करे भी तो क्या कर सकते हैं? ये
हो समाज का सामने उसको विधवा तो बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो समाज में अपना घर खानदान पर थूथू होने लगेगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, वहां हमको भी नहीं रहना है। हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, ये बात का बिल्कुल चिंता मत कर। दुनिया का कोई ताकत हमको तुमसे अलग नहीं कर सकता। जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करके काहे अकेला छोड़ दिया हमको, काहे किया ऐसा हमारे साथ। सुहागन तो यही चाहती है कि वो सुहागन जिए, सुहागन ही मर जाए। हम यहाँ ना ही रहना चाहते हैं। जब आप ही नहीं है तो किसके सहारे जिएंगे हम? नहीं जीना है हमको, हम आपका विधवा बन के ना ही जी सकते। हम मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं।